आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय प्राध्यापक अनिरुद्ध देशपांडे जी, महाराष्ट्र राज्य के युवा और यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान रावसाहेब दानवे जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद श्रीमान विनय सहस्त्रबुद्धे जी, पुणे से ही आमदार और राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री गिरीश बापट जी, पुणे शहर के भाजपा के अध्यक्ष श्रीमान योगेश जी, रामभाऊ मालगी प्रबोधिनी के साथ सालों से जुड़े हुए और हमारे वरिष्ठ विधायक श्रीमान मंगल प्रताप लोढ़ा जी, श्रीमती रेखा महाजन जी, पुणे महानगर की प्रथम नागरिक श्रीमती मुक्ता तिलक जी, और आज के कार्यक्रम में पधारे हुए प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने मेरे जीवन में कई बार अनेक प्रकार के भाषण किए हैं। राजनीतिक भाषण छोड़कर भी कई सारे विषयों पे, कई सारे व्यक्तित्वों के बारे में और कई सारी घटनाओं के बारे में भी मैंने अलग अलग प्रकार के बहुत भाषण किए हैं, मगर बचपन से आज तक जब भी मैं आर्य चाणक्य पर बोलने जाता हूं, तब मैं वक्ता ए नाते अपने आप को बहुत छोटा महसूस करता हूं, क्योंकि जिस व्यक्तित्व के बारे में बोलना है वो व्यक्तित्व इतना बड़ा है जिसको शब्दों में समाहित ही नहीं किया जा सकता, जिसको व्यक्तित्व वक्तव्य में समाहित ही नहीं किया जा सकता। आज रामबाऊ मालगी प्रबोधिनी ने जिस प्रकार से पुणे के अंदर ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, शायद विनय जी या रवि साठे जी को मालूम नहीं है, आज 8 जुलाई का दिन है। 8 जुलाई 1910 के दिन ही एसएस मोरिया नाम के जहाज से वीर सावरकर ने एक ऐतिहासिक छलांग लगाकर कोई व्यक्ति भारत माता के लिए अपने प्राणों को किस तरह से दांव पर लगा सकती है, इसका एक विरल उदाहरण दुनिया के सामने रखा था। आज उसी दिन आर्य चाणक्य पर मैं आप लोगों के सामने बोलने के लिए उपस्थित हूं, और छत्रपति शिवाजी महाराज और बाजीराव पेशवा की भूमि पर उपस्थित हूं, ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। मैं रामबाऊ मालगी प्रबोधिनी के सारे संचालकों को हृदय से अभिनंदन देना चाहता हूं कि इन्होंने आज का विषय आर्य चाणक्य को समर्पित किया है, क्योंकि मित्रों आर्य चाणक्य, दुर्भाग्य की बात है कि किंवदंतियों का विषय बने हुए हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने कभी सत्ता पर रहे बगैर इतने बड़े आकार के देश के जीवन पर सदियों तक असर डाला, वो व्यक्ति के बारे में ना हमारे समाज में सच्ची जानकारी है, ना उसने प्रतिपादित किए हुए सिद्धांतों को समाज में पढ़ाने की व्यवस्था है, ना उसके प्रतिपादित किए हुए सिद्धांतों की आज के समय में क्या मूल्य है इसके बारे में कोई चर्चा है। सिर्फ एक छोटा सा किंवदंती के तक
आर्य चाणक्य को सीमित करकर हमारे समाज ने रख दिया है। ऐसे समय में मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं रामभाव मालकी प्रबोधिनी को कि इन्होंने आर्य चाणक्य के जीवन पर इतने बड़े सभागार में और विशेषकर विद्वानों की नगरी पुणे में ये वक्तव्य देने का मुझे मौका दिया है। आर्य चाणक्य पर 45 मिनट में बोलना बड़ा कठिन है। पहले मैं उनके जीवन और उनके कालखंड के बारे में थोड़ा इसलिए बताना चाहता हूं कि किसी भी बड़े व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन को उसके कालखंड की कठिनाइयों को समझे बगैर अगर हम इवेल्युएट करते हैं, इसका मूल्यांकन करते हैं, तो वो व्यक्तिमत्व के साथ अन्याय होगा। जब सरल समय होता है, जब अच्छा समय होता है, शांति काल होता है, उस वक्त किसी भी प्रकार के परिवर्तन करना, किसी भी प्रकार के ज्ञान का अर्जन करना, किसी भी प्रकार के ज्ञान को सिद्धांतों में ढालना बड़ा सरल होता है। मगर राष्ट्र में जब उथल पुथल हो, राष्ट्र पर गहरे संकट के बादल छाए हुए हो, उस वक्त कोई व्यक्ति वो गहरे संकट के बादलों के सामने लड़ाई भी लड़े और इसके साथ नए सिद्धांतों को प्रतिपादित भी करे, ज्ञान को संग्रहित भी करे, ज्ञान की लेखनी भी करे और ढेर सारे शिक्षकों को ज्ञान को फैलाकर पूरे देश के अंदर उसको फैलाने का काम करे, ये समझने के लिए आर्य चाणक्य जब उनका कालखंड था तब देश की स्थिति थी क्या, समझना बहुत जरूरी है। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में लगभग 2300-2400 साल पहले आर्य चाणक्य का जीवन का कालखंड रहा और अलग अलग मंतव्य, कोई कहता है पंजाब में जन्म हुआ, कोई कहता है पाटलिपुत्र मतलब आज के पटना के आसपास में हुआ, कोई कहते हैं दक्षिण में हुआ, कोई निश्चित स्थान उनके जन्म का कोई कह नहीं सकता। आयु के बारे में भी 90 वर्ष से 120 वर्ष का कालखंड अलग अलग रेफरेंस के अंदर मिलता है। मगर जब उनका जन्म हुआ और जब उनका उन्होंने अपने देह का त्याग किया, ये दोनों के बीच का कालखंड को समझना बहुत जरूरी है। वो एक कालखंड है जब देश बहुत छोटे छोटे राज्यों के अंदर बिखरा पड़ा था। बुद्ध अपना जीवन समाप्त कर चुके थे, महावीर अपना जीवन समाप्त कर चुके थे और ईरान और यूनान के अंदर एक महासत्ताओं का जन्म लेना भी शुरू हुआ था और उस वक्त सबकी नजर हिंदुस्तान पर थी क्योंकि भारत के अंदर एक प्रकार से सब सर्वोच्च पर था मगर यहां व्यवस्था नहीं थी, इसलिए सब यहां आकर भारत को लूटना चाहते थे। उसी कालखंड में चाणक्य का जन्म हुआ। सिकंदर के आक्रमण से लेकर चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक के राज्याभिषेक तक, इतने लंबे कालखंड तक चाणक्य अलग अलग भूमिका में काम करते रहे और ये कालखंड इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि महाभारत की लड़ाई के 2500 साल बाद देश की स्थिति ऐसी थी कि आध्यात्मिक ऊंचाई हमने बरकरार रखी थी, ज्ञान को भी संजो कर रखा था, मगर सारी व्यवस्थाएं चरमरा रुक चुकी थी। पूर्व में दूर सुदूर धनानंद का साम्राज्य था जो सारी परंपराओं से विपरीत चलता था, मूल्यों का ह्रास होना शुरू हो गया था, भाषा का ह्रास होना शुरू हो गया था और अनेक प्रकार के वितंडावादों के बीच में हमारा देश फंसा हुआ था। छोटे छोटे गणराज्य बने थे जो अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते थे और उस वक्त आर्य चाणक्य का जीवन और आर्य चाणक्य का कार्य शुरू हुआ। तक्षशिला विद्यापीठ का एक आचार्य जब सिकंदर का हमला आया, एक के बाद एक पर्वत राजाओं को हराते हराते तक्षशिला भी सिकंदर की शरण में गया, उस वक्त आर्य चाणक्य ने एक निश्चय किया कि अगर हम भारत को एक नहीं करते हैं, हमें भी साम्राज्य नहीं बना सकते हैं, तो हमारा अस्तित्व, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, ये सारा एक दिन लुप्त हो जाएगा। और उसी वक्त उन्होंने दृढ़ निश्चय करा कि ये देश को एक ही ताने बाने में बुनना पड़ेगा और एक साम्राज्य का स्वरूप देना पड़ेगा और इसी के कारण
चाणक्य के जीवन में ही हमारी राष्ट्र की पहली अवधारणा की शुरुआत हुई। उन्होंने राष्ट्र की पहली अवधारणा की कल्पना रखी कि अफगानिस्तान से लेकर लंका तक और ब्रह्मदेश से लेकर गुजरात तक जो फैला हुआ है, एक ही संस्कृति के आधार पर जीता है, एक ही जीवन पद्धति के आधार पर जीता है, वो हमारा भारत राष्ट्र है। इसकी अवधारणा सबसे पहले अगर कहीं पर हुई तो चाणक्य के कालखंड के अंदर हुई, क्योंकि उन्होंने इसको एक सूत्र में बांधने की कल्पना करी। सिकंदर के हमले के बाद फिलिप को क्षत्रप बनाया गया और फिलिप को क्षत्रप पर से हटाने में भी चाणक्य की बड़ी भूमिका थी। चाणक्य का जन्म हुआ तब मैंने कहा, वो युवा हुए तब मैंने कहा, इस प्रकार की स्थिति में राष्ट्र था और चाणक्य का जब देह नहीं रहा तो एक मजबूत राष्ट्र वो छोड़कर गए, जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान से लेकर लंका तक और बर्मा से लेकर गुजरात तक फैली हुई थी। इसकी शासन व्यवस्था ठीक ठाक थी, इसकी शैक्षणिक व्यवस्था ठीक ठाक थी, इसकी आर्थिक व्यवस्थाओं का पूरा खाका बनाकर ये महान आदमी गया और इतना मजबूत साम्राज्य की नींव रखी कि 1000 साल तक किसी ने हिम्मत नहीं की भारत पर हमला करने की। 1000 साल तक चाणक्य ने बनाया हुआ राष्ट्र अविरत रूप से काम करने लगा। और जब कालखंड में, उनके कालखंड के अंदर उन्होंने राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से एक मजबूत भारत का निर्माण किया, सुरक्षित भारत का निर्माण किया। और मैं ये कह सकता हूं कि जब वो गए तब भारत इतना सुरक्षित था कि भारत के सम्राट के पास विश्व की सबसे बड़ी सेना थी, 9000 हाथियों की सेना थी और पाटलिपुत्र से लेकर तक्षशिला तक, मतलब अफगानिस्तान तक, 20 हाथी चल सके ऐसा राजमार्ग बनाया हुआ था और हर 8 किलोमीटर पर इसकी विधि का आराम करने की व्यवस्था बनाई हुई थी। उन्होंने तक्षशिला को एक छोटा सा परिवर्तन किया। तक्षशिला विद्यापीठ चाणक्य के जन्म के पहले की विद्यापीठ, परंतु जब चाणक्य वहां के आचार्य बने तब चंद्रगुप्त के साम्राज्य के बनने के बाद वो जो वहां पर गए, तब उन्होंने एक नियम करा कि जो राज्य अपने राजकुमारों को, सेनापतियों के बेटे को, अपने भिषक मतलब अपने आयुर्वेद के निष्णातों को वहां पर पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं उनको कोई फीस नहीं देनी है, उनको थोड़ी सेना वहां पर रखनी पड़ेगी। और एक ऐसी सेना का जमावड़ा तक्षशिला पर करा कि वहां पर 365 days 24 hours 100,000 सैनिक तक्षशिला के अंदर उपस्थित होते थे, क्योंकि भारत पर आक्रमण करने का एकमात्र रास्ता था खैबर घाट। उस वक्त ना समुद्री आक्रमण होते थे ना हवाई आक्रमण होते थे, खैबर घाट से ही आक्रमण होते थे। तो विद्या के माध्यम से उन्होंने देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम किया और लंबे समय तक देश की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। उनके समय के अंदर जो उन्होंने शासन व्यवस्था को सुदृढ़ किया उसका परिणाम क्या था, मौर्य और गुप्त कालखंड के अंदर भारत की जीडीपी का कंट्रीब्यूशन दुनिया की जीडीपी में 35% था। आप कल्पना कर सकते हो आज दुनिया की जीडीपी में 35% कंट्रीब्यूशन भारत की जीडीपी तक का था। एक यूरोपियन विद्वान है एंगस मेडिसन, उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्ट्री नाम की एक पुस्तक लिखी है, उन्होंने ये ढूंढ निकाला है कि लगभग चाणक्य के कालखंड में दुनिया की जीडीपी के अंदर भारत का कंट्रीब्यूशन 35% था। आप कल्पना कर सकते हो अर्थतंत्र को कितनी मजबूत शक्ल देने का काम आर्य चाणक्य ने अपने जीवन के अंदर किया था। और ये कोई 1-2 साल के लिए नहीं रहा, ईस्वीसन पूर्व 4th शताब्दी से लेकर 1500 तक भारत का कंट्रीब्यूशन 20% से कम नहीं हुआ। सिर्फ हमारे नजदीक कोई देश आ गया तो चीन आ गया 1600-1700 में। ये जो फ्लो है दुनिया की इकोनॉमी की हिस्ट्री का, उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि 1500 तक भारत इकोनॉमी की दृष्टि से, अर्थनीति की दृष्टि से दुनिया में सुपर पावर था। और वो आर्य चाणक्य के जीवन का
जीवन कार्य का ही परिणाम था कि लगभग 1600-1700 साल तक भारत आर्थिक रूप से इतना मजबूत हुआ। और जो उन्होंने परंपरा बनाई राज्य शासन की भी, उसको उनके जाने के बाद लुप्त नहीं हुआ। उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर, तक्षशिला विद्यापीठ के आधार पर एक इतना बड़ा जाला देश भर में एक निश्चित विचारधारा के आधार पर काम करने वाले लोगों का बना दिया कि सदियों तक वो काम करते रहे। मैं आपको नाम गिना सकता हूं, अशोक और बिंदुसार और अशोक, चंद्रगुप्त के बाद जो मौर्य साम्राज्य के दो सम्राट हुए उनके महासचिव महामात्य थे राधागुप्त, वो चाणक्य की तर्ज पर ही काम कर रहे। बाद में चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त गुप्त वंश आया, उसमें महामंत्री हरिशयन ने इसी तरह से काम किया। स्कंदगुप्त का समय आया, इसमें कामंडक ने इस तरह से काम किया। हर्षवर्धन का समय आया, बाण भट्ट ने इसी तरह प्रकार से काम किया। और ये परंपरा जो महामत्य की चली उसने देश को 1000 साल तक मजबूत करने का काम किया। और ये सब तक्षशिला के विद्यार्थियों के बीच में एक अजीब प्रकार की मेंटल टेलीपैथी भी निर्मित होती थी, क्योंकि वो सारे सहाध्यायी होते थे। एक प्रकार से पूरे भारत को एक ताने बाने के अंदर बुनने का काम आर्य चाणक्य ने किया। और उन्होंने पहली बार जीवन में एक बात को प्रस्तापित किया, मैं बाकी सब चीजों को बाद में आता हूं, मगर उन्होंने पहली बार प्रस्तापित किया कि राष्ट्र महान है, राजा महान नहीं है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन आर्य चाणक्य ने अपने जीवन के अंदर, अगर राष्ट्र मजबूत है तो राजा सुरक्षित है। राष्ट्र को मजबूत करना, राष्ट्र के अंदर अपनी परंपराओं को उसका संरक्षण और संवर्धन करना, राष्ट्र को आर्थिक रूप से मजबूत करना, सुरक्षित करना, यही प्राथमिकता होनी चाहिए महामात्य की। वो विषय को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तापित किया। मित्रों, आर्य चाणक्य के व्यक्तित्व को समझने के लिए मैं थोड़े उनके गुण के बारे में कुछ घटनाएं हैं वो बताना चाहता हूं। आर्य चाणक्य बहुत छोटे थे, उनके घर पर मगध के महामात्य सटकार आए हुए थे, सटकार के साथ एक ज्योतिषी आया था। आर्य चाणक्य की कुंडली देखकर ज्योतिषी ने कहा कि इनकी माता जी को कि तेरा बेटा सम्राटों का सम्राट बनेगा। उनकी माताजी रोने लगी। आर्य चाणक्य बाहर खेलते थे, वापिस आए, घर में आए तो देखा माँ रो रही है। उन्होंने पूछा, एक मातृभक्त बालक की जिज्ञासा से पूछा कि माँ क्यों रो रही हो तुम? तो उन्होंने कहा, हम तो बेटा ब्राह्मण है, हमारा काम पढ़ना और पढ़ाना है, और एक ज्योतिषी कहकर गए हैं कि तू सम्राटों का सम्राट बनेगा, तू ब्राह्मण धर्म का लोप करेगा। तो घर के अंदर चटनी पीसने का एक पत्थर पड़ा था। आर्य चाणक्य ने पत्थर उठाया, अपने दांत पर दे मारा, दांत गिरा दिया और कहा, मां अंग भंग हो गया है, अंग भंग हो गया, वो सम्राट नहीं बन सकता, राजा नहीं बन सकता, तुम चिंता न करो, जीवन भर मैं पढ़ूंगा और पढ़ाऊंगा, तुझे रोने की जरूरत नहीं। एक बच्चा 8 साल का, जिसका भविष्य कहा जाता है कि वो देश का सम्राट बनेगा, वो कहता है मुझे सम्राट नहीं बनना है, अगर मेरी माँ को दुख होता है, मेरा काम पढ़ना और पढ़ाना है, मैं जीवन भर ये काम करूंगा, सम्राट बनकर जो काम होता है वो मैं शिक्षक बनकर करूंगा। और वो उन्होंने करा भी, शिक्षक बनकर सम्राटों को बनाने का काम आर्य चाणक्य ने किया, खुद सम्राट कभी नहीं बने। उनके जीवन का एक दूसरा प्रसंग है, वो बहुत उनकी आयु के बहुत आगे के समय का है। वो मगध के महामात्य बन चुके थे, गंगा जी के किनारे एक पट्टकुटी के अंदर ही एक झोंपड़ी के अंदर रहते थे, और एक विदेश से किसी राजा का राजदूत उनको मिलने के लिए उनके घर पर आया। तो एक बूढ़ा सा कद्रूप आदमी अपने कंधे पर अपने पीने के पानी का घड़ा गंगा जी में से लेकर जाता था। उसको वो राजदूत ने पूछा कि भाई महामात्य चाणक्य कहाँ रहते हैं, आप बता सकते हो? तो बूढ़े आदमी ने कहा, चलिए मेरे साथ, मैं ले ही जाता हूँ, बताना क्या है। तो लेकर उसकी झोंपड़ी में आए, अंदर गए, अपनी मटकी अपनी स्थान पर रखी, हाथ पहुँच कर कहा, बताओ भाई क्या काम है।
तो उसने कहा मुझे आर्य चाणक्य से मिलना है, इनके सेवक से नहीं मिलना है। उन्होंने कहा मैं ही आर्य चाणक्य हूं, आप बताइए क्या काम। जिसके चरणों में पूरे राष्ट्र की सत्ता थी, ऐसा व्यक्ति इतनी सादगी के साथ जी सकता है, इतनी जमीन पर जी सकता है, उसका उदाहरण आर्य चाणक्य ने अपने जीवन पर करा था। घर में एक झोंपड़ी थी, कोई सेवक नहीं था, स्वयं पाकी थे, खुद का पानी भी गंगा जी में से खुद भरकर लाते हैं। मैं मानता हूं कि आज के हम सब राजनीति में काम करने वाले लोगों के लिए प्रेरणा उठाने का, अगर इनके जीवन में से कोई अनेक प्रसंग है, उसमें से एक महत्वपूर्ण प्रसंग है तो ये है कि राजनीतिज्ञों ने किस प्रकार से जीना चाहिए। समग्र जीवन अपना सादगी से किस तरह से निकालना चाहिए। तीसरा प्रसंग है, यहां पर सिकंदर का हमला हो गया, चंद्रगुप्त उस वक्त भी आर्य चाणक्य के साथ उसी जगह पे थे, और सेल्यूकस की बेटी सिकंदर के प्रथम हमले में इनके साथ आई थी हेलन, और थोड़ा चंद्रगुप्त को उनसे मोह हो गया। उन्होंने आर्य चाणक्य को कहा कि मैं शादी करना चाहता हूं। उन्होंने कहा आप विदेशी महिला से शादी नहीं कर सकते। उस वक्त कंजर्वेटिव सोसाइटी होती थी, कोई आपको राजा के नाते स्वीकार नहीं करेगा। बात वहां पर गई, चंद्रगुप्त सम्राट बने, हेलन के पिता सेक्युलर देश पर हमला लेकर आए, चंद्रगुप्त ने ग्रीकों के हमले को हराया, विजेता हुए। जब संधि होने लगी तब आर्य चाणक्य ने कहा कि हमारी संधि हमेशा बरकरार रहे, इसलिए आपकी बेटी का विवाह हमारे सम्राट से करिए। तो चंद्रगुप्त ने तुरंत पूछा उनको कि उस वक्त तो आप ना बोलते थे, अब क्या हो गया कि उस वक्त आप मोह में शादी कर रहे थे, आज आप विजेता के रूप में हेलन को स्वीकार कर रहे हो, इससे राष्ट्र का गौरव बढ़ता है, दोनों चीजें अलग है, इसलिए आज मैं आपको सहमति देता हूं। राजा की इच्छा की जगह राष्ट्र के सम्मान को महत्व देने की शुरुआत पहली बार अगर बहुत लंबे कालखंड के बाद हुई तो चाणक्य के कालखंड के हुई। उन्होंने अपने सुदीर्घ जीवन में अनेक प्रकार के ग्रंथों की रचना की, और ये सारे ग्रंथ कोई चाणक्य के लिखे हुए नहीं है। आप चाणक्य को जब भी पढ़ोगे तो उनके अंदर अनेक प्रकार के विद्वानों के मत एक समस्या के लिए आएंगे, बाद में वो अंत में अपना मत रखेंगे। तो एक प्रकार से भारत में हजारों साल से जो ज्ञान संकलित हुआ था उसका एक अच्छा संकलन करने का काम आर्य चाणक्य ने किया। बहुत सारे ग्रंथ लिखे, अभी जो ग्रंथ पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए सरलता से उपलब्ध है, इसका नाम मैं इसलिए दो मिनट जाएगी पर बोलता हूं, कौटिल्य अर्थशास्त्र, चाणक्य नीति दर्शन, चाणक्य राजनीति शास्त्र, चाणक्य नीति शास्त्र, चाणक्य सार संग्रह, लघु चाणक्य, वृद्ध चाणक्य, चाणक्य सूत्राणी, और एक विष्णुगुप्त सिद्धांत नाम का ज्योतिष पर भी ग्रंथ उन्होंने लिखा है। ये सारे ग्रंथ के अंदर दुनिया की कोई समस्या को बाकी रखे बगैर सब पर मीमांसा करने का काम आर्य चाणक्य ने किया है। और मित्रों एक नाम मैं जरूर यहां पर देना चाहता हूं, पंडित श्याम शास्त्री, जिन्होंने अपना पूरा जीवन, मैसूर महाराजा के ग्रंथपाल थे, जिन्होंने पूरा जीवन चाणक्य पर लिखी हुई पांडुलिपियों को संग्रहित करने के लिए और उसको पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने के लिए लगा दिया। आज अगर हम चाणक्य को अच्छे से पढ़ पाते हैं तो उसका संपूर्ण श्रेय पंडित श्याम शास्त्री को जाता है। सब राजे रजवाड़ों के वहां जाकर भिक्षा मांग करे पंडित ने, चाणक्य को आज शब्द देह के अंदर बांधने का काम किया है। मित्रों चाणक्य के जीवन में उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में मैंने बहुत संक्षिप्त में सरसरी रूप से बताया, क्योंकि मैं ज्यादा समय इनके लेखन के बारे में, उनके ग्रंथों के बारे में बताना चाहता था। चाणक्य के अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र और जितने सारे पुस्तकों का मैंने यहां पर उल्लेख किया, ये सारे पुस्तकों का आधार हमारे प्राचीन ज्ञान के सोर्स के अंदर से निकलता है, और चाणक्य ने उसको उस वक्त के सांप्रत समय के हिसाब से पुनः व्याख्यायित किया। भारतीय ज्ञान परंपरा के चार विभाग हैं, एक आण्विक सखी है,
एक त्रयी है, एक वार्ता है और एक दंडनीति है। आण्विक सखी का मतलब है अन्वेषण, खोज, अनुसंधान। मगर वो खोज और अनुसंधान हम जिस रूप में आज मटेरियलिस्टिक सोसाइटी में सोचते हैं, इस प्रकार का नहीं है। परम तत्व के रहस्य की खोज, उसको आण्विक सखी कहते हैं। बाद में त्रयी, उसमें वेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता, इसके आधार पर प्रस्थान त्रयी, त्रयी के आधार पर बहुत सारा साहित्य बनाया गया। वह व्यक्ति के जीवन को ऊपर उठाने के लिए, आध्यात्मिक ऊंचाई देने के लिए त्रयी का उपयोग होता है। तीसरा हमारा प्रकार था वार्ता, जिसको आज की पॉपुलर लैंग्वेज में बिजनेस कहते हैं। कृषि, व्यापार, गोरक्षा, हुनर, उद्योग, ये सारी चीजें वार्ता के अंदर समाहित है। और चौथा है दंडनीति। दंडनीति मतलब नॉट पनिशमेंट, कानून, व्यवस्था, नियम, अर्थशास्त्र, कर व्यवस्था, संविधान, लोक सेवा और सुशासन, ये सारे विभाग दंडनीति के अंदर समाहित होते हैं। तो ये चारों विभागों का उपयोग कर इसके तत्वाधान पर चाणक्य ने सारे ग्रंथों की रचना करी है। अब मैं बाकी सारी चीजें छोड़कर वार्ता और दंडनीति के साथ आ जाता हूं, क्योंकि वो अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र से जुड़े हुए दो विभाग है। वार्ता और दंडनीति सीधा राज्य के कामकाज के साथ जुड़े हुए आधार है, परंतु आर्य चाणक्य ने वार्ता और दंडनीति के लिए जितना भी लिखा उसका आधार उन्होंने त्रयी और अन्विक्षिकी से ही लिया, क्योंकि अल्टीमेटली सुशासन और उद्योग, अर्थनीति और उद्योग, शासन, सुशासन और दंडनीति, इस सब का आधार अध्यात्म से लेने का काम आर्य चाणक्य ने किया। इसी के कारण आज चाणक्य ने जितना भी लिखा है कभी कालबाह्य नहीं हुआ। 2400 साल, 2300 साल पहले लिखी हुई सारी चीजें आज भी इतनी ही उपयोगी है जितनी उस समय में उपयोगी थी। और इसीलिए कहते हैं कि चाणक्य का जितना भी ग्रंथ है, चाणक्य के जितने भी ग्रंथ है, वो सारे शाश्वत है, एटर्नल है, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। शायद आज से 1000 साल के बाद भी ये इतने ही प्रासंगिक होंगे जितने आज है, और इतने ही प्रासंगिक होंगे जितने 2300 साल के पहले थे। इसका बेस बहुत स्ट्रॉन्च लिया है उन्होंने अपने सारे ग्रंथों के अंदर। ब्रह्मा, मनु, बृहस्पति, शुक्र, नारद, विश्वामित्र, विदुर, ये सारी चीजों का रेफरेंस लेते 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 वो ग्रंथों के अंदर समाहित करते गए। शांति पर्व के अंदर से बहुत सारी चीजें लेकर उनको नई परिभाषा में व्याख्यित किया। विदुर नीति की बहुत सारी चीजों को लेकर नई व्याख्या में उन्होंने व्याख्यायित किया। रावण लक्ष्मण संवाद में से भी काफी सारी चीजों को लेकर उन्होंने नई व्याख्या में व्याख्यायित करने का काम करा। ये सबके मंतव्य, ये सबके सार उन्होंने लेकर उसमें से आज के परिप्रेक्ष्य में इसको किस तरह से होना चाहिए इसके बारे में अंत में खुद का मंतव्य लिखा है। तो एक प्रकार से एक बहुत बृहद संकलन करने का काम आर्य चाणक्य ने किया, एक संपूर्ण शास्त्र देने का उन्होंने प्रयास किया है। मैं मानता हूं न केवल भारत, दुनिया के अंदर जिसके ग्रंथ की रचना, जिसके सिद्धांतों की रचना, जिसकी अर्थनीति की रचना, जिसकी सुशासन नीति की रचना, जिसकी न्याय और दंड देने की नीति की रचना का बेस इतना बृहद और स्ट्रांग होगा, ऐसी कोई नीति दुनिया में नहीं होगी। चाणक्य का अर्थशास्त्र 6000 श्लोक, 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और 150 अध्यायों में बिखरा हुआ पड़ा है। मैं सारी चीजें कहना नहीं चाहता, मगर आज इन्होंने कहा है कि भाई चाणक्य आज के रेफरेंस में, इसलिए मैं अब मूल विषय पर आता हूं। चाणक्य के अर्थशास्त्र में से और नीति शास्त्र में से राजा, राज्य, अर्थशास्त्र, विदेश नीति, कूटनीति और रक्षा नीति, इतनी चीजों के बारे में मैं आज के रेफरेंस में आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। सबसे पहले राजनीतिक दर्शन के, और शिक्षा भी लूंगा मैं। सबसे पहले राजनीतिक दर्शन के बारे में बात करें तो उन्होंने राजा की व्याख्या चाणक्य के जन्म के पहले
देवी परिकल्पना के साथ जुड़ी, दैवी परिकल्पना। राज्य में देव का अंश होता है, राज्य में देव निवास करता है, इसलिए राजा को ही भगवान मानकर एक श्रद्धा का भाव करा था। उन्होंने देवी परिकल्पना का त्याग करा। मैं संस्कृत इसलिए नहीं बोलता कि मेरा भाषण हिंदी में रिपीटेशन न हो। उन्होंने पहली बार कहा राजा संविधान का प्रथम दास है, राजा राज्य का प्रथम सेवक है, उसकी शुरुआत चाणक्य ने की। आज जब मैं नरेंद्र भाई को मंच पर से सुनता हूं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, प्रधान सेवक हूं, मुझे मालूम नहीं उन्होंने आर्य चाणक्य को पढ़कर कहा है, मगर स्पिरिट एक है। राजा प्रजा का दास है, राजा संविधान का प्रथम सेवक है, वो राजा की कल्पना। उन्होंने राजा के कार्यों के बारे में बहुत बताया है, मगर मैं इसमें डिटेल जाना नहीं चाहता। उन्होंने राज्य को भी दैवी सिद्धांतों से अलग कर दिया। राज्य की अपनी कल्पना भी दैवी सिद्धांतों से बनी हुई थी कि ईश्वर ने मेरे राज्य की सीमाएं बनाई, ईश्वर ने मेरे राज्य को पोषण करता है, ईश्वर मेरे राज्यों में मेघ भेजता है, वर्षा भेजता है, अन्न उत्पन्न करता है। एक परिकल्पनाओं का उन्होंने त्याग करा। अपने समय में ये करना एक बहुत बड़े रिफॉर्मिस्ट का काम था। उस वक्त कोई हिम्मत नहीं कर सकता थे व्याख्याओं को बदलनी। उन्होंने राज्य की कल्पना को भी देवी परिकल्पना से अलग हटाकर भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कल्पना के आधार पर राज्य का विचार किया और राज्य की कल्पना को सप्तांग के अंदर, सात अंगों के अंदर बांटने का काम किया। पहला स्वामी, आज के समय में स्वामी शब्द का अर्थ जो उन्होंने वर्णन किया इसमें करते हैं तो संप्रभुता होता है, तो पहला अंग संप्रभुता है। दूसरा अमात्य, अमात्य का मतलब मंत्रिमंडल होता है, तो दूसरा मंत्रिमंडल। तीसरा जनपद, प्रजा। चौथा दुर्ग, तो सुरक्षा। पांचवा कोष, तो अर्थतंत्र, रेवेन्यू। छठा दंड, तो लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन, सुशासन। और सातवा मित्र, मतलब विदेश नीति। ये सात विभागों में उन्होंने राज्य की कल्पना की और सातों विभागों का उन्नयन करने के लिए, सातों विभागों को उद्व गति देने के लिए उन्होंने अलग अलग सिद्धांत को प्रस्तापित किया। तो पहली बार हमारे देश के अंदर राज्य की कल्पना को इतने सूक्ष्म तरीके से करने का काम आर्य चाणक्य ने किया। और आज आप उठाकर देख लीजिए, कोई भी देश हो दुनिया का, अगर उसके प्रमुख कामों को सात या आठ चीजों में विभाजित करना है तो संप्रभुता, मिनिस्ट्री, पब्लिक, जनता, डिफेंस, सुरक्षा, अर्थतंत्र, लॉ एंड ऑर्डर, सुशासन और विदेश नीति, इतने कामों में ही इसका विभाजन हो सकता है। 2300 साल पहले जो उन्होंने किया वो आज भी इतना ही रिलेवेंट है राज्य की व्याख्या के लिए। और वो व्याख्या अब यस लेने के लिए तो कोई भी ले सकता है, राज्य की व्याख्या किसने करी, डिपार्टमेंट किसने बनाए, कोई टोडरमल का नाम देता है, कोई अंग्रेजों का नाम देता है, मगर कोई चाणक्य का अर्थशास्त्र पढ़ेगा तो उसको मालूम पड़ेगा ये व्याख्या सबसे पहले नारद ने करी थी और चाणक्य ने इसका नवीनीकरण करने का काम किया। इन्होंने देश के अर्थतंत्र के लिए भी बहुत अच्छे सिद्धांत गढ़े। उन्होंने कहा कि कर किस प्रकार से डालना चाहिए, तो उन्होंने पुष्प और भंवरे का उदाहरण दिया था। राजा ने, मतलब राज्य ने करदाता के पास कर इस तरह से लेने चाहिए जैसे भंवरा पुष्प में से मधु को चूसता है, ना पुष्प की सुगंध खत्म होती है ना सौंदर्य खत्म होती है, मगर मधु एकत्रित हो जाता है, उसी तरह से टैक्स लेना चाहिए। कितनी आइडियल कल्पना उस जमाने में उन्होंने देने का प्रयास किया। उन्होंने नए व्यापार को प्रोत्साहन के लिए भी सूत्र बनाए कि उसको टैक्स फ्री करो, कालखंड भी लिखा, तीन साल के बाद रिव्यू करकर महत्तम 9 साल तक उसको टैक्स फ्री रखना चाहिए। अब आज देवेंद्र जी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाते हैं तब उनको मालूम नहीं है कि ये सिद्धांत चाणक्य के अर्थशास्त्र के अंदर इन्होंने राजाओं के लिए बहुत 2300 साल पहले एडवाइस किया हुआ सिद्धांत। उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत बताए, मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता, परंतु इन्होंने कर नीति को और दंड नीति को टोटल 4 भागों में बेचा। एक अप्राप्त को प्राप्त करना, मतलब राज्य की रेवेन्यू
थोड़ी है नहीं है तो उसको बढ़ाना, प्राप्त को रक्षित करना मतलब स्थायित्व देना, जो रेवेन्यू प्राप्त हुई है उसको मिनिमम एक बेस बनाकर उसको आगे बढ़ाते जाना मतलब रक्षित करना, रक्षित की वृद्धि करना, जो लेवल आ गए उसको बढ़ाना, और कोष मतलब अंत में इसको जमा जनता में समान रूप से फायदा पहुंचे इस प्रकार से इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये चार हिस्सों में उन्होंने कर प्रणाली को बताई। जन कल्याण और जन सुरक्षा, डिस्ट्रीब्यूशन के दो लिंब बनाए, एक जल कल्याण के लिए व्यक्ति के भले के लिए और सुरक्षा के लिए मतलब देश की सुरक्षा के लिए, ये दो लिंब में उन्होंने काम को डाइवर्ट करने का काम किया। और उन्होंने कहा समस्त प्रजा का कल्याण हो इस प्रकार की नीति होनी चाहिए, और जो कल्याण करने की प्रक्रिया है इसमें सबका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, सबकी सहभागिता होनी चाहिए। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, समस्त प्रजा का कल्याण हो इस प्रकार की नीति होनी चाहिए, अंतिम व्यक्ति का विकास होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, और विकास की प्रक्रिया में सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जब नरेंद्र भाई आज कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मुझे मालूम नहीं उन्होंने चाणक्य को पढ़कर सूत्र दिया है नहीं दिया है, मगर वो आर्य चाणक्य की अर्थनीति को पढ़ते हैं तो तुरंत ही मालूम पड़ता है। आज उस जमाने में राजा का पुत्र ही राजा होता था, चाणक्य ने कठोरता के साथ ये व्यवस्था पर आघात किया। बड़ा पुत्र राजा होता था उसके लिए उन्होंने कहा ज्येष्ठ ते श्रेष्ठ नहीं, जो ज्येष्ठ है वो श्रेष्ठ नहीं है, जो श्रेष्ठ है वो ज्येष्ठ है, मतलब राजा के सारे राजकुमारों में जो सबसे योग्य है वो ही राजा बन सकता है, जो बड़ा है वो राजा बनेगा वो नहीं होगा, वरना अशोक सम्राट न बनते, अभय कुमार सम्राट बन जाते। अशोक अभय कुमार से बहुत छोटे थे परंतु उनको सम्राट इसलिए बनाया कि अशोक में योग्यता थी। उसके बाद में उन्होंने एक श्लोक लिखा है जिसका हिंदी अनुवाद मैं बताता हूं, राजा को एक ही एक पुत्र हो, मानो राजा को एक ही बेटा है मगर विनीत नहीं है, मतलब सूझबूझ वाला नहीं है, तो उसको राजा नहीं बनाना चाहिए, राज पुरोहित ने राजा का चयन करना चाहिए। परिवारवाद का भी वहां संपूर्ण विच्छेदन करने का काम उन्होंने किया। जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि परिवारवादी पॉलिटिकल पार्टियां देश का भला नहीं कर सकती, क्षमता के आधार पर जो नेतृत्व आता है वो ही देश का भला कर सकता है, चाणक्य ने 2300 साल पहले ये बात परिवारवाद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था कि राजा का एक ही बेटा है मगर वो विनीत नहीं है, मतलब सूझबूझ वाला नहीं है, तो उसको कदापि शासन पे बिठाना नहीं चाहिए। राज पुरोहित और अमात्य ने साथ में बैठकर, मैं किसी के रेफरेंस में नहीं कहता हूं भैया, दूसरा बहुत सारे अर्थशास्त्र के विद्वानों को मैं सुनता हूं, मैं कोई अर्थशास्त्र का विद्यार्थी नहीं हूं, मेरा फॉर्मल एजुकेशन विज्ञान के विषय का विद्यार्थी हूं, विज्ञान का विद्यार्थी हूं, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी नहीं हूं। रेगुलेटर शब्द को इतना बड़ा कर वो बताते हैं, और रेगुलेटर जैसे पश्चिम की गिफ्ट है ऐसे बताते हैं। हमारे यहां चाणक्य ने 2300 साल पहले रेगुलेटर की कल्पना सन्निधाता कर दी थी, एक पद का नाम रखा था जो कोषागार का निर्देशक होता था, जो राजा से स्वतंत्र होता था, राजा से बंधा हुआ नहीं होता था, राजा के आदेश को अनादर करने पर उसको फांसी की सजा नहीं होती थी, उसको उसमें से मुक्त कर दिया गया था। तो रेगुलेटर की आज आरबीआई गवर्नर इज रेगुलेटर, सेबी डायरेक्टर इज रेगुलेटर, रेगुलेटर की कल्पना आर्य चाणक्य ने वो जमाने में कर दी थी और उसको राजाज्ञा से ऊपर उठा लिया था कि तुम्हें वही करना है जो देश के अंदर राज्य के कोष को नजर में रखते हुए जो देश के लिए उचित है, राज्य के लिए उचित है, राष्ट्र के लिए उचित है, वही करो। तो रेगुलेटर की कल्पना कहीं पश्चिम से नहीं आई है, हमारे यहां से आई है, और इसको बृहस्पति के श्लोकों से आर्य चाणक्य ने संपादित कर आगे बढ़ाया है। इन्होंने समाहर्ता की भी कल्पना की है, समाहर्ता का मतलब होता है प्रधान काराध्यक्ष, रेवेन्यू सेक्रेटरी की जो कल्पना करते हैं, तो उन्होंने स्पष्ट किया है
कि कर की अवधारणा करते वक्त व्यय और आय दोनों के आधार पर कितना कर बढ़ेगा वो समाहर्ता अमात्य मंडल के पास ले जाएगा, महामात्य इस पर निर्णय करेंगे, राजा इसमें दखल नहीं कर सकते। तो कर की अवधारणा जो करी है उसको भी उन्होंने स्वतंत्र कर दिया है राज्य से, राजा के अधिकार की बात नहीं थी। मैं नहीं मानता कि ये बात विश्व के किसी भी पश्चिम के विद्वान ने इतनी अच्छी, अभी जो हमारी अंग्रेज देकर गई व्यवस्था से बहुत अच्छी व्यवस्था है, परंतु इसको आज के किसी भी अर्थशास्त्र के कोर्स के अंदर पढ़ाया नहीं जाता है। मित्रों, भ्रष्टाचार के लिए भी उन्होंने दो प्रकार की बातें करी थी। भ्रष्टाचार के लिए, कठोरता के लिए तो बहुत कठोर चीजें कही, मैं इसमें जाना नहीं चाहता क्योंकि इसको एक अलग रेफरेंस में लिया जाएगा, मगर भ्रष्टाचार कितना खतरनाक है इसके लिए उन्होंने ऐसा कहा था कि कोई भी राजा ऐसा कहता है कि मेरे राज्य में भ्रष्टाचार नहीं है तो वो जीवा पर, मतलब अपने टंग पर मधु रखकर, हनी रखकर कहना कि मुझे ये स्वीट टेस्ट नहीं आता है इसके जैसा है, ये असंभव है। तो राज्य के अंदर भ्रष्टाचार शाश्वत है, वो रहेगा ही, ऐसा करकर उन्होंने शुरुआत करी है। बाद में उसको पकड़ना कितना कठिन है, तो जल के अंदर मछली तरती है तो वो पानी पी रही है नहीं पी रही है वो कोई भी दिखे तो मालूम नहीं पड़ेगा, इस तरह से कर्मचारी राज के कोष से पैसा खा रहा है या नहीं कर रहा है, ये बहुत कठिन है पकड़ना। और उसके बाद में उसको पकड़ने की दिशा में गए हैं, इसमें मुझे नहीं जाना है, इसके बहुत गलत अर्थ निकलेंगे, परंतु मेरा कहने का मतलब भ्रष्टाचार को भी उस वक्त उन्होंने एड्रेस किया था। बाद में रेवेन्यू के सोर्स, आज भी ऐसा माना जाता है कि रेवेन्यू के सोर्स के बारे में पश्चिम की कल्पना को भारत ने अडॉप्ट किया है, मगर उन्होंने रेवेन्यू सोर्स अर्थ के लाने की जगह के लिए उस समय की भाषा में लिखा है, मैं आज इसका अर्थ कर दिखाता हूं। पहला सोर्स बताया है दुर्ग, दुर्ग का मतलब द्रव्य है, द्रव्य के कर और विक्रय से जो टैक्स आएगा वो होगा। दूसरा राष्ट्र, मतलब आपकी आय पर जो कर डाला जाता है उससे आएगा। तीसरा खनी, इसका मतलब खनिज से है, जो खदाने है उससे जो आएगा उससे राज्य को संपत्ति मिलेगी। चौथा सोर्स है सेतु, तो वो कृषि को कहते हैं। पांचवा है व्रज, वो पशुपालन के लिए शब्द प्रयोग करा है। और छठा शब्द है वाणिज्य, मतलब व्यापार, व्यापार के अंदर से उस वक्त उन्होंने जो व्यापार करने के बाद टैक्स बनने के बाद बनता है उस पर भी संपत्ति का कर लेना, वेल्थ टैक्स की कल्पना भी उस वक्त आर्य चाणक्य ने कर दी थी। और उन्होंने राष्ट्र को हर चीज में सर्वोपरि माना। उन्होंने विदेश व्यापार की परमिशन देनी चाहिए, विदेश व्यापार के नियम बनाने चाहिए, हर राजा ने विदेश व्यापार को उत्तेजन देना चाहिए, परंतु विदेश व्यापार की प्राथमिकता राज्य की, राष्ट्र की रक्षा की प्राथमिकता से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मतलब जो विदेश व्यापार होगा वो देश की रक्षा, आर्थिक रक्षा और सीमाओं की रक्षा से ऊपर नहीं होगा, उसकी प्रायोरिटी ऊपर नहीं होगी, प्रायोरिटी ऊपर होगी देश की रक्षा की। इतनी स्पष्ट नीति के साथ इन्होंने व्यापार के और कर के नियमों को बनाने का काम किया था। विदेश नीति, इसके लिए भी कहा जाता है कि जैसे आजादी के पहले हमारे पास कोई विदेश नीति थी ही नहीं, आर्य चाणक्य ने विदेश नीति पर बहुत कुछ लिखा है और इतनी महीम और माइन्यूट डिटेलिंग किया है कि जब पढ़ते हैं तब लगता है कि आज के जो विदेश नीति के पंडित हैं वो शायद प्रीएम्बल ही पढ़ पाए होंगे, इतना डिटेलिंग उन्होंने लिखा है। उन्होंने विदेश नीति के उद्देश्य, मैं सिर्फ उद्देश्य में ही जाता हूं, किस प्रकार से बनानी चाहिए इसमें नहीं जाता हूं, उनके उन्होंने 6 उद्देश्य करे। एक संधि जो शांतिकाल के लिए होती, पड़ोसी के लिए करते। दूसरा विग्रह जो युद्ध करते, इसके पर्पस भी बताए क्यों संधि करनी चाहिए, क्यों युद्ध करना है। याना मतलब शांति काल के अंदर युद्ध की तैयारी करना गुप्त तरीके से। आसन, न्यूट्रल भाव रखना।
ना संदीपीय ना विग्रह विजिलेंट रहो। संश्रय मतलब अपने से ताकतवान दुश्मन है तो जब तक आप ताकतवान नहीं बनते हो उसकी शरण ले लो, संश्रय। और वेदी भाव, एक के साथ संधि करकर दूसरे निर्बल दुश्मन को खत्म कर दो। ये छह लिंब के ऊपर उन्होंने पूरी विदेश नीति का खाका उस जमाने में बनाया था और हर चैप्टर का इतना डिटेलिंग किया है कि आप मान नहीं सकते कि 2300 साल पहले कोई व्यक्ति जो सोचता था, जो कोई व्यक्ति जो लिखता था, ये इतना भी रिलेवेंट हो सकता है क्या? हम कल्पना ही नहीं कर सकते। और उन्होंने पहली बार हमारी जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना थी, वैसे वसुधैव कुटुंबकम की भावना विश्व कल्याण की कामना के लिए है, परंतु इनसे विपरीत एक विदेश नीति में सूत्र लिखा है जो संकुचित राष्ट्रवाद की दिशा में इंगित करना है। शायद आज भी उसकी जरूरत होगी। मैं यहां कोई राजनीतिक बात करने नहीं आया इसलिए कहता नहीं हूं, परंतु इन्होंने लिखा है कि विदेश नीति का आधार अपने राष्ट्र के उत्कर्ष और दूसरे राष्ट्रों के क्षय, मतलब उसके विनिपातता, दूसरे राष्ट्रों के क्षय की दिशा में विदेश नीति का आधार होना चाहिए। और ये आधार पर, ये छह बिंदुओं पर विदेश नीति की रचना राजा ने करनी चाहिए। अपने देश के लिए इतनी डिटेल सोच कोई व्यक्ति आर्य चाणक्य के अलावे कोई कर नहीं सकता। कूटनीति के बारे में उनका सूत्र बहुत प्रसिद्ध है, सबको मालूम नहीं होगा कि चाणक्य के सूत्र है, साम दाम दंड भेद, ये चारों सूत्रों को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से व्याख्यायित किया था। इसकी प्रायोरिटी भी तय कर दिए, साम दाम दंड और भेद, ये चारों की प्रायोरिटी तय कर वो गए हैं, लिख कर गए हैं और चारों को बहुत अच्छे तरह से व्याख्यायित किया है। मगर एक उन्होंने वहां पर फुटनोट लगा दी है, साम नाम दंड भेद ये अमात्य ने करने चाहिए परंतु राजा के लिए नहीं, राज्य के लिए, व्यक्ति को टिकाने के लिए, व्यक्ति को यशस्वी बनाने के लिए नहीं करने चाहिए, राष्ट्र को अशक्त करना चाहिए। तब उसके साथ एक संवाद है, जब उन्होंने कुछ उन पर आरोप लगा कि कुछ गणराज्यों के नेताओं का उन्होंने हत्या करा दिया, तो कुछ पांडुलिपियों में चाणक्य और उनके शिष्यों का संवाद लिखा हुआ है। उसमें एक जगह एक शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव आप पर आरोप लगते हैं कि आपने इतने सारे लोगों की हत्या करा दी। उसमें साहस नहीं था कहने की करा दी है, मगर उसने कहा आरोप लगाए, तो ये सत्य है क्या? तो उन्होंने कहा देश के लिए हजारों सत्यों को बुनकर सत्य की रस्सी बनाता है, उससे बड़ा सत्यवादी कोई हो नहीं सकता। मैंने खुद के लिए कुछ नहीं किया है, मेरे राष्ट्र को एक करने की। इतनी स्पष्टता किसी नीति निर्धारक के दिमाग में मैंने नहीं देखी। और उसका दूसरा आध्यात्मिक स्वरूप देखिए, एक शिष्य ने पूछा सत्य की व्याख्या क्या है, तो उन्होंने कहा जब से मनुष्य बोलता है पहला शब्द बोलता है वहां से असत्य की शुरुआत होती है, सत्य तो मौन है। तो वो समझा नहीं, उसने कहा कि मुझे समझाइए गुरुदेव। तो उसने कहा तेरा नाम क्या है? तो उसने कहा आनंद मेरा नाम है। तो क्या आनंद कैसे मालूम पड़ा? तेरे कपाल पर लिखा हुआ है जन्म के समय कि तू आनंद हो कि ना? मेरे माता पिता ने आनंद कहा और सब लोग आनंद कहते हैं, इसलिए मैं आनंद हूं। तो उसने ने कहा जो असत्य को सब लोग स्वीकार कर ले वो सत्य होता है, जिस असत्य को सब लोग स्वीकार कर ले वो असत्य होता है, असत्य को स्वीकार कर ले वो सत्य। तो उसने कहा गुरुदेव ये तो ठीक है मगर मूल सत्य क्या, धर्म क्या? तो उन्होंने कहा कि कोई कानून कोई मतलब नहीं है, जो काम करते वक्त आपकी अंतरात्मा आपको झिझक जाए, रोक ले, वो असत्य है, और जो काम करते वक्त आपकी अंतरात्मा कहे कि करने जैसा काम है वो सत्य है। ये दो स्वरूप चाणक्य के समझने जैसे हैं, साम दाम दंड भेद करना, हजारों असत्य को बुनकर सत्य की रस्सी बनाना मगर राष्ट्र के लिए, और दूसरा ये फिलोसॉफिकल रिलीजियस सत्य की व्याख्या, ये चाणक्य के व्यक्तित्व के दो पहलू है, दो छोर है। इसके बीच में चाणक्य का पूरा जीवन समाहित हुआ है। रक्षा के लिए भी उन्होंने
बहुत सारे गुप्तचर व्यवस्था का डिटेल किया है, गुप्तचर के प्रकार, गाने वाले गुप्तचर, नाटक करने वाले गुप्तचर, विष कन्याओं के रूप में गुप्तचर, कंटक के रूप में गुप्तचर जो हत्या करते थे, इस प्रकार के सैन्य के अंदर चतुरंगणी सेना का एक कंसेप्ट बहुत ब्रॉड कर रखा, और सेना में भी चार हिस्से बनाए, राजा के वफादार है ऐसे, वीर रस वाले जो शौक के खातर लड़ते हैं ऐसे, जो तनख्वाह लेकर लड़ते हैं ऐसे, और दूसरा अपने अधीन सामंतों के सैन्य, और युद्ध में ये लोगों को कहां कहां खड़ा करना चाहिए इसका भी डिटेलिंग करा है। इतनी बृहद रक्षा की बारे में, हालांकि है उस कालखंड में, आज हाथी की बात करना कोई रिलेवेंसी नहीं है, परंतु उस जमाने में रक्षा पर इतना सारा चिंतन किसी ने नहीं किया था। और शिक्षा के बारे में बहुत सारा लिखा है, मैं दो ही वाक्य बोलने जाता हूँ क्योंकि मुझे दिया हुआ समय समाप्त होने को आया है। शिक्षा के बारे में मैं दो ही बात कहता हूँ। उन्होंने कहा था शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो राज्य के हर नागरिक को सर्वज्ञ बनाने का उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने अभ्यासक्रम पर नहीं गए, इसको बीए बनाओ, बीकॉम बनाओ, सीए बनाओ, डॉक्टर बनाओ, ऐसे नहीं गए, सर्वज्ञ बनाने की उद्देश्य से शिक्षा होनी चाहिए। व्यक्ति के अंदर जितने भी गुण पड़े हैं वो सबको प्लेटफॉर्म देना, उसको बाहर लाने की व्यवस्था करना, वो शिक्षा का अभ्यासक्रम का काम है। और शिक्षा कैसे चलानी चाहिए उसके लिए एक वाक्य, ये राज्याश्रित शिक्षा नहीं होनी चाहिए, लोगों के द्वारा शिक्षा का पूरा तंत्र चलना चाहिए, राज्य के आश्रय से शिक्षा नहीं चलनी चाहिए। ये दो मूल बिंदुओं के, शिक्षा का उद्देश्य और शिक्षा कैसे चलनी चाहिए, इसके बीच में 27 सूत्रों में उन्होंने शिक्षा पर बहुत सारा चाणक्य ने लिखा है, अभी समय नहीं है। एक और बात मैं बताना चाहता हूं मित्रों, जब सेल्यूकस को चंद्रगुप्त ने हरा दिया, उस वक्त धनानंद के जो महामात्य थे पंडित कात्यायन, जिसको पॉपुलर भाषा में सब राक्षस कहते हैं, राक्षस चंद्रगुप्त के महामात्य बन चुके थे, आर्य चाणक्य महामात्य नहीं थे मगर अभी मगध छोड़ा नहीं था, तो पंडित कात्यायन ने तक्षशिला में आचार्य चाणक्य को कहा कि देव अब हम यहां तक जीत गए, सेल्यूकस परास्त हो गया, यहां से ग्रीक तक का रास्ता सम्राट सिकंदर के लिए खुला पड़ा है, हमने आगे आगे जाना चाहिए। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात अमात्य राक्षस को कही कि जिस भूभाग की जनता हमारे संस्कार से नहीं जीती है, जिस भूभाग की जनता हमारे धर्म से नहीं जीती है, जिस भूभाग की जनता हमारी परंपराओं से नहीं जीती है, वो भूभाग जीतकर हम वो जनता के पर आक्रांता का रूप में जाएंगे, अन्याय करेंगे। हमारा काम विस्तार करना नहीं है, हमारा काम हमारे राज्य की संस्कृति, हमारे राज्य की भाषा, हमारे राज्य की परंपराओं की रक्षा करना है। और पहली बार उन्होंने सांस्कृतिक जियो कल्चर, मतलब भू सांस्कृतिक राष्ट्र की कल्पना रखी। दुनिया भर में जितने देश हैं वो सारे जियो पॉलिटिकल देश हैं, या तो युद्ध से बन गए, या तो क्रांति से बन गए, या तो कोई संधि से बन गए, या कटते कटाते बनते बिगड़ते रहे, सारे जियो पॉलिटिकल देश हैं। एकमात्र भारत अपना हिंदुस्तान दुनिया में जियो कल्चर देश है, जिसकी बाउंड्री संस्कृति के आधार पर बनी है। उत्तर प्रदेश में श्री कृष्ण का जन्म होता है, गुजरात के गरबे में भी श्री कृष्ण मिलेगा, मणिपुर के नृत्य में भी मिलेगा, दक्षिण के नृत्य में भी मिलेगा, और वृंदावन के रास में भी श्री कृष्ण मिलेगा। गंगा के लिए कन्याकुमारी में जाओ तो भी गंगा से अभिषेक होना है, गंगा सागर जाओ तो भी गंगा मिलेगी, केदार जाओ तो भी गंगा से अभिषेक करना है, दूर सुदूर मेरे प्रदेश में भगवान सोमनाथ का अभिषेक करना है तो भी गंगा से होगा। हम संस्कृति से बंधे हुए हैं, हम संस्कृति से जुड़े हुए हैं, हमारी देश की सीमाओं को संस्कृति से बनाया गया, इसकी सर्वप्रथम व्याख्या आर्य चाणक्य ने तक्षशिला में जब महात्मा राक्षस को कहा कि जो भूभाग मेरी संस्कृति के आधार पर नहीं जीता है, जो भूभाग
मेरे धर्म के आधार पर नहीं जीता सकता जीता है, जो भूभाग की भाषा मेरी भाषा नहीं है वहां हम जाएंगे तो आक्रांता के रूप में जाएंगे। हमारे राज्य का संरक्षण करने का, संस्कृति का संरक्षण करने का, धर्म और परंपराओं का संरक्षण करने का हमारा अधिकार है, किसी की मान्यताओं को तोड़ने के लिए आक्रांता के रूप में नहीं जाना चाहिए। मित्रों, हमें जो फिलोसॉफी सिखाते हैं इसको अगर आर्य चाणक्य का एक राज्य एक वाक्य बता दे तो मैं आपको कह सकता हूं कि महाभारत काल से लेकर आज तक भारत का कोई सम्राट भारत के बाहर सेना लेकर नहीं गया। बाहर के बहुत सारे सम्राट यहाँ लूट मचाने आए, जिनका सामना भी किया, हराया भी, निकाला भी, परंतु कभी भी हमने और किसी की संस्कृति को तोड़ने का काम नहीं किया, क्योंकि हम भू सांस्कृतिक राष्ट्र हैं। मैं मानता हूं ये दर्शन लोगों तक पहुंचा ही नहीं, आर्य चाणक्य किंवदंती के रूप में पहुंचे और किंवदंती के रूप में ही प्रचलित रहे। बहुत बड़े व्यक्ति थे, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, आचार्य थे, शिक्षक होकर धनानंद को साम्राज्य गिरा दिया, सेल्यूकस को रोक दिया, ये सारी चीजें, मगर उनका जो कंट्रीब्यूशन है अनेक प्रकार के ग्रंथों की रचना करना, अनेक प्रकार की विधाओं में निपुणता कैसे आए इस प्रकार से करना, हर जीवन के हर पहलू पर आर्य चाणक्य ने लिखा है। ये तो दुर्भाग्य की बात है कि आर्य चाणक्य का कोई पुस्तक अपनी भाषा में पढ़ना हो तो भी बहुत कठिन है, मिलते नहीं है। मैं आज विनय जी को एक काम सौंप कर देकर देने जाने वाला हूं। पंडित श्याम शास्त्री एक अधूरा काम छोड़कर गए हैं, बहुत सारी चीजों का उन्होंने संकलन करा है, मगर देश की 8 से 10 लाइब्रेरियों के अंदर, एक लाइब्रेरी उसमें से गुजरात की भी है, आर्य चाणक्य के उनके शिष्यों के साथ संवाद की पांडुलिपियां पड़ी है। इसके अंदर ज्ञान का खजाना है। रामबाऊ मालगी प्रबोधिनी ने एक प्रोजेक्ट के नाते लेकर वो पांडुलिपियों का अनुवाद कर इसको पुस्तक के रूप में प्रकाशित करना चाहिए। जिनको इंटरेस्ट है, जिनको पढ़ना है, जिनको अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, उनके लिए इसको उपलब्ध कराना। मैं भी समझता हूं मित्रों, मुझे 5-6 साल की उम्र में नीति शास्त्र पढ़ा गया, विदुर नीति पढ़ा गई, थोड़ा बड़ा होते ही अर्थशास्त्र पढ़ा गया कौटिल्य का। मैं न पढ़ता तो देश को देखने का मेरा नजरिया ये न होता, देश को समझने की मुझ में इतनी समझ न होती। एक मूल संस्कार ये साहित्य ने, ग्रंथों ने मेरे में डाला और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उसको शेप देने का, आकार देने का काम किया, तब जाकर मैं यहां तक पहुंचा। और ऐसे हजारों बच्चे होंगे जिनके अंदर पोटेंशियल पड़ा है, मगर हमने ज्ञान को एक निश्चित कोर्स के अंदर बांध कर रख दिया है। 3 घंटे के अंदर याद शक्ति के आधार पर रटा रटा लिखकर इसकी IQ को हम मार्क देते हैं, वो विद्यार्थी के साथ भी अन्याय है और देश के साथ भी अन्याय है, क्योंकि देश के अंदर जो प्रतिभाएं पड़ी हैं उसको हम रोक रहे हैं। खैर, मैं भी शासन व्यवस्था में बैठा हूं, मगर आज आर्य चाणक्य पर बोल रहा था तो बोले बगैर नहीं रह गया। आर्य चाणक्य के जीवन पर मेरा आप सभी को आग्रह है, आप इसके प्रचार के लिए, इसके प्रसार के लिए, इसके विस्तार के लिए जीवन में जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इतना करना चाहिए। मैं मानता हूं आज से उनके जीवन को 2400 साल हो गए, आज तक वो शाश्वत है और शायद 5000 साल के बाद भी दुनिया के लिए शाश्वत होगा, एटर्नल होगा, ये कभी काल ये बाहर नहीं होगा। मैं आज फिर से एक बार रामबाऊ मालगी प्रबोधिनी का, आर्य चाणक्य के जीवन पर मुझे बोलने का मौका देने के लिए हृदय से धन्यवाद कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम।